न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है, क्या खूबसूरत न्यूजीलैंड ने खेला है। मुझे तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, कभी समा पे तो कभी मेरे चैनल पे तो कभी कहीं कभी कहीं। तो जी आज लेट मी टेल यू कुछ खबरें ये है कि इरम हम इसको क्या रेगुलर पॉडकास्ट बना रहे हैं या कुछ इस तरह से कि हम डेली कुछ ना कुछ, क्योंकि वी हैव वर्ल्ड कप मैचेस गोइंग ऑन और वो एवरी डे वील हैव न्यू मैच न्यू टीम्स, तो वी आर थिंकिंग कि हम रोज़ कोई ना कोई डिस्कशन लेकर आए, कोई ना कोई जो भी उस दिन का मैच होगा या नेक्स्ट डे वाला मैच होगा वी विल डिस्कस अबाउट इट, कोई फनी बातें होंगी एंड आप लोग के अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे सो विल टेक देम, और आप लोग कमेंट्स कीजिए, जो भी आप लोगों के सवाल होंगे हम उनका जवाब देंगे। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे अच्छे सवाल कीजिएगा, प्यारे प्यारे सवाल कीजिएगा, क्रिकेट से रिलेटेड सवाल कीजिएगा, बेशक हमारे क्रिकेट से रिलेटेड भी आप सवाल कर सकते हैं, वी हैव नो इश्यूज। और अब बाकी चले जी, मैं मुझे याद आया कि आयशा जफर को तो आप लोगों से मैंने कहले कि इंट्रोडक्शन आयशा जफर का बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको पता है कि सीरीज तारुफ की मुहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हमारी आज से जो है वो क्या कहते हैं, एक हमने न्यू पॉडकास्ट कह लें आप इसको, या वर्ल्ड कप के हवाले से हमारा एक रोज़ जो है हम इंशाल्लाह आएंगे, आपसे गपशप करेंगे, आपके सवालात लेंगे। आयशा जफर जी एक सेकंड सॉरी जी लेकिन इसमें ये चीज़ है कि अभी इसका टाइटल हमने रखा है वर्ल्ड कप इंडिया 2023 का, बिल्कुल, लेकिन अगर आप लोग के पास कोई ज़्यादा अच्छा इनोवेटिव क्रिएटिव इस पॉडकास्ट का कोई नाम है तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, वी विल कंसिडर इट, और अगर हमें पसंद आया तो हम डेफिनेटली उसका नाम वो रखेंगे विद ड्यू क्रेडिट्स ऑफ कोर्स। अच्छा वी हैव एक आया है किसी का कमेंट कि आपने वुमेन टीम के बारे में अपना पॉइंट नहीं दिया, मुझे बहुत इंतज़ार था बट आपने कोई बात ही नहीं की, ये कब की बात है? आई डोंट नो ये कब की बात है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा हम ये सीन कर सकते हैं कि अभी जो है हम ज़रा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं, थोड़ा वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर लेते हैं, और बीच बीच में कुछ एक दो सेशंस हम ऐसे करेंगे जिसपे हम वुमेन क्रिकेट के हवाले से भी बात कर सकें। आप लोग मुझे पहले एक चीज़ ये क्लियर कर दें कि हमारा ये जो ऐसे कैमरा रखा हुआ है ये आप लोगों को क्लियर आ रहा है कि हम इसको दूसरे एंगल में करें, वो क्लियर आएगा, प्लीज़ ये कन्फर्म कर दें। तो जी हम आज का जो मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, बहुत कह लें कि अच्छा मैच चल रहा है न्यूजीलैंड के हवाले से। सबसे पहले तो आयशा आई थिंक न्यूजीलैंड तो जीत भी चुका है, और यही आज अगर आप लोगों ने शायद मेरा देखा हो, अगर समा वाला देखा हो, तो उसमें मैंने आज ये कहा था कि 10 ओवर पहले ये न्यूजीलैंड गेम फिनिश कर देगा, तो उन्होंने 14 ओवर्स पहले ये गेम फिनिश कर दी है। जस्ट वाओ वाओ क्लैपिंग फॉर न्यूजीलैंड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या खूबसूरत बैटिंग की और 9 विकेट से, यार खूबसूरत। वैसे सच्ची बात है मुझे तो वो जो उनका वन डाउन प्लेयर है रविंद्रा, आई एब्सोल्युटली लव्ड हिम, मतलब मुझे इतना मजा आया उसकी बैटिंग देख के, द वे ही प्लेड, उसके स्ट्रोक्स और द वे ही बेंट आफ्टर द बॉल, एक दफा भी वो लगा नहीं कि वो जो है ही इज अ 23 ईयर ओल्ड एंड दिस इज हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप, बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लगा, इतना मतलब आई रियली एंजॉय उसकी बैटिंग और द वे ही प्लेड। अच्छा उसके बारे में एक और चीज़ बताती हूँ, एक बड़े मज़े की चीज़ है उसके बारे में, कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके फादर को सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया रचिन, ओके रचिन रविंद्रा इनका पूरा नाम है, तो राहुल से रा लेके आर ए और सचिन से चिन सी एच आई एन, तो वो एक नाम इसके इनके फादर ने जो है वो इनका रचिन रविंद्रा इनका नाम है पूरा। कहीं ये राहुल द्रविड़ और सचिन पे भारी ना पड़ जाए, इंडिया पे ही ना ये भारी पड़ जाए। हाँ आई एम होपिंग टू सी गुड थिंग्स फ्रॉम दिस प्लेयर, मुझे बहुत पसंद आया है एंड आई बी लुकिंग फॉरवर्ड कि ये आगे किस तरह से जो है परफॉर्म करते हैं और अपनी टीम न्यूजीलैंड को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। बिल्कुल सो आज के मैच का ये था ओपनिंग मैच था इंडिया सॉरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अभी सही स्टार्ट हो गया है इंडिया पाकिस्तान का, एक सर पे फुल टाइम जोश खरोश चढ़ा हुआ है, लेकिन हमें अभी 14th तक वेट करना है क्योंकि हमारे लिए तो वही मैच होना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा वैसे ये बड़े मजे की बात है, अक्सर अगर हम कभी कहीं इधर उधर जाते रहे लोग हमसे स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज़ का पूछे कि भाई आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बताएं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बताएं, इस मैच का क्या बनेगा, बाकी सब हम
हमारे लिए कोई मानी नहीं रखते एज पर द पब्लिक, लेकिन अभी इस बार हमारे लिए सारे मैचेस इंपॉर्टेंट हैं। हम सारे मैचेस आप लोग को जो है डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे बिल्कुल, और आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो वर्ल्ड कप के हवाले से आप जरूर पूछिए। और लेट्स टॉक अबाउट, आई थिंक एक सवाल है मेरे पास जो मैंने काफी आज जो है ट्विटर पे देख रही थी, सोशल मीडिया पे देख रही थी, लोग काफी अनॉयड थे कि जी ये न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड क्यों है। मेरे ख्याल में आपको तो इस चीज़ का आइडिया होगा ही, क्योंकि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड इसलिए है कि 2019 का जो वर्ल्ड कप गुजरा था उसके जो फाइनलिस्ट थे वो ये दोनों टीमें थी, और जिसको इंग्लैंड ने जीत लिया था मैच जो है वो टाई हो गया था, और सुपर ओवर था सुपर ओवर भी टाई हो गया था, फिर जिसकी वजह से क्या कहते हैं इंग्लैंड की बाउंड्रीज ज़्यादा थी जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड कप जीत गया। तो ये होता है हमेशा ही जब जो भी फाइनलिस्ट टीम्स होती हैं पिछले वर्ल्ड कप की या पिछले बिग इवेंट की या कोई भी इवेंट गुजरा हो तो उसका ही पहला मैच जो है वो रखा जाता है। और अहमदाबाद क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम में है, इंडिया में बहुत दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,32,000 कैपेसिटी है लोगों के वहां के आने की, लेकिन आज क्राउड देखने को नहीं मिला यार। शुरू में नहीं था, अब एज द सन वेंट डाउन उसके बाद थोड़ी सी क्राउड जो है मुझे नजर आया, लेकिन शुरू में मे बी मिड ऑफ द वीक ये स्टार्ट हुआ है इस वजह से। मैनी पीपल ट्वीटेड एज वेल कि जी वेयर इज द क्राउड, मतलब वर्ल्ड कप की ओपनिंग है और क्राउड तो होना चाहिए था। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस आवर्स थे, वर्किंग आवर्स थे, गर्मी बहुत थी जिसकी वजह से लोग नहीं आए, लेकिन अब जो है मेरे ख्याल से गर्मी, मतलब जो उसको क्रिकेट का क्रेज होगा मैच देखना होगा वो गर्मी को क्या देखेगा। हाँ, लेकिन बहरहाल के मिड ऑफ द वीक था, वर्किंग आवर्स थे, इस चीज को मेरे ख्याल से जो है इनको थोड़ा सा काउंट फॉर करना चाहिए था बिफोर स्केड्यूलिंग दिस ओपनिंग मैच। ओके ओवर द वीकेंड स्टार्ट कर रहे थे ताकि जो एक हाइप क्रिएट हो सके। अच्छा ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं हुई, और सुनने में ये आ रहा है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो शायद इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले रखी जाएगी, क्योंकि टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग का उन्होंने फैसला किया। आपकी नजर में फैसला सही था? यस यस यस, इट वाज अ गुड टॉस टू विन। मेरे ख्याल से देखिए जैसे यहाँ पे पिचेस हैं चेज करना मुझे लगता है ईजी होगा, बिकॉज इंडिया के विकेट्स हैं, एशियन विकेट्स जो हैं यूजली दे आर गुड बैटिंग ट्रैक्स, ठीक है, और इंग्लैंड के पास जो है वो पेसर्स से ज़्यादा, जो कि हमने देखा भी कि चेज में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, बहुत कंफर्टेबली उन्होंने अपने शॉट्स खेले और ब्रेवली जो है इस स्कोर को चेज किया, और 214 ओवर्स पहले बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही बात कि न्यूजीलैंड ने, देखिए इंडिया में जो ये वर्ल्ड कप है ना, इंडिया का विकेट हमें बिल्कुल पता है कि फ्रेंडली बैटिंग विकेट्स हैं बिल्कुल, और यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, हम इस यहाँ पे 400 भी देखेंगे या हम 350 भी देखेंगे, और आज हमने अभी इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो हमने 280 देखा है। अभी इंग्लैंड ने कहले अच्छी क्रिकेट नहीं खेली और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स नहीं थे, उनकी कोई हिप इंजरी चल रही है, आज के मैच में वो नहीं थे, लेकिन आगे वर्ल्ड कप के मैचेस में उम्मीद है कि वो होंगे टीम के साथ क्योंकि वो उनके एक मेन प्लेयर है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में इंडिया में जो वर्ल्ड कप है और जिस तरह की बैटिंग है बिल्कुल, जिसको आप हम क्रिकेट की जुबान में फट्टा विकेट कहते हैं बिल्कुल, यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि बॉलिंग के पहले 10 ओवर और बैटिंग के पहले 10 ओवर वो थोड़े से मुश्किल होंगे, और उनको निकालना थोड़ा सा जो टीम उनको इजीली अच्छा कर गई। अब न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग करके पहले वो 10 ओवर उन्होंने अच्छे निकाले और इंग्लैंड को उन्होंने मुश्किल में डाला, तो आपके सामने रिजल्ट है। और सेकंड टाइम चेस करना बिल्कुल इजी होगा, क्योंकि जब आप लाइट्स में खेलेंगे तो बॉल और अच्छा बल्ले पे आएगा और बॉल स्किड करेगा, तो जिसकी वजह से आपके सामने है कि एक विकेट सिर्फ न्यूजीलैंड की गिरी है और वो जीत गए। लेकिन उन्होंने जितना बहुत ऑर्गेनाइज होकर खेला, कॉनवे ने और रविंद्रा ने, दोनों ने बहुत वो इस रन चेस को इतना ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चले हैं कि कहीं भी एक मिनट के लिए भी ऐसे नहीं लगा कि दे आर इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। उन्होंने वो फेज आने ही नहीं दिया अपने ऊपर,
और अभी आप ये भी देखें कि इरम ये देखो कि अभी के मिलियन सन जो है वो भी बाहर थे, के मिलियन सन नहीं खेले, साउदी नहीं खेले, सोढ़ी जो उनके लेग स्पिनर है वो नहीं खेले, तो इट वाज अ गुड चांस फॉर द यंगस्टर कि वो अपने आप को इस रोल को टेकअप कर किया उन्होंने और उन्होंने शो किया कि यस आई कैन डू इट। और आपको ये पता है कि न्यूजीलैंड की आज की टीम में 5 से 6 जो है वो उनके वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट खेले, तो सारे आप कह लें कि उनके इतना एक्सपीरियंस प्लेयर्स आज नहीं खेले। और आपके सामने मतलब हमारे सामने रविंद्रा एक मिसाल है, ब्रेसवेल जो हैं वो न्यूजीलैंड के एक ओपनिंग बैटर थे जिसकी वो इंजर्ड हुए, जिसकी वजह से इनको रचिन को जो है इनको चांस मिला, और अब देखें जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनका ये पहला वर्ल्ड कप है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कब से खेलते चले आ रहे हैं। सो स्मूथ एंड सो कॉन्फिडेंट, आई लव द शॉट्स। बिल्कुल, आप अगर आपने अगर आपको याद आए, मुझे तो रविंद्रा को देख के मुझे शुभमन गिल याद आ गई, जिस तरह की उनकी बैटिंग इंडिया की तरफ से, मैं बिल्कुल मानती हूँ इंडिया के बैटर्स को बिल्कुल हम बहुत हाई रेट करते हैं, स्पेशली विराट कोहली, तो चले उनका तो एक्सपीरियंस ही बहुत है ना, उनके तो मैचेस ही बहुत हैं, लेकिन शुभमन गिल जिस तरह आके खेलते हैं और जैसे उनका कह लें कि खेलने का स्टाइल है और इतना उनको कमांड है अपनी शॉट्स पे, उनकी इवन शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है मेरे ख्याल में। ओके जी, जलाल खालिक जो है वो सलाम कर रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ओके, अब एक और सवाल मेरे माइंड में यह कि जिस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं मार्क वुड, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर है, 150 प्लस बॉल करते हैं, ठीक है, सेम लाइक हारिस राउत, लेकिन आज उनको बहुत मार पड़ी। उसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह एक तरफ से अगर सैम करन जो है वो कंटेन कर रहे थे शुरू में, जैसे दो उन्होंने मेडल करवाए हैं, तो दूसरी तरफ से इट वाज मार्क वुड जिनकी वजह से थोड़ा सा जो है सेट हुए हैं, जो टोन सेट की है बेसिकली चेस की न्यूजीलैंड, ओके, फॉर न्यूजीलैंड, तो वहीं से जो है उन्होंने अपनी ड्राइव स्टार्ट की है, विड्स उनको मिली है, तो वो कह सकते हैं कि मार्क वुड ने जो है हेल्प किया है न्यूजीलैंड को इस ये टोन सेट करने के लिए कि वो इस चेस को अच्छा इंग्लैंड सक्सेसफुली करें। बिल्कुल, अच्छा इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था और जितनी वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि वो मैनेजमेंट और उन सब ने, उनकी मैनेजमेंट ने एक ही आपस में इन्होंने, क्योंकि काफ़ी इन्होंने पिछले सालों में स्ट्रगल किया है अपनी इस अप्रोच को लेके, लेकिन उन्होंने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि जी हम बहादुरी वाली क्रिकेट खेलेंगे और फुल कह लें कि हम खुल के खेलेंगे, चाहे हम 20 में पूरी टीम आउट हो जाए या हम 300-400 बोर्ड पर लगाएं, ठीक है, क्रिकेट उन्होंने वही खेली आज, स्टार्ट उन्होंने वही किया, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाता है जिस तरह की उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है कि वो बिल्कुल चैनलाइज्ड बॉलिंग उन्होंने की है, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि दे केम विद अ प्लान और दे हैड स्टडीड द इंग्लैंड प्लेयर्स वेल और वो बिल्कुल उसको अप्लाई भी अच्छे तरीके से, एग्जीक्यूट भी अच्छे तरीके से कर रहे थे। अच्छा, मुझे मुझे इंग्लैंड की एक और ये चीज़, इसको हम अगर नेगेटिव लेना चाहें वो भी लेके जा सकते हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में भी लेके जाना चाहें तो हम पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं। इंग्लैंड के कैप्टन बटलर ने ये बात कही कि उनकी एक स्टेटमेंट आई कि जी हम एज अ डिफेंडिंग चैम्पियन हम इस वर्ल्ड कप में नहीं आए, हम बाकी टीम्स की तरह भी एक नॉर्मल टीम है, ठीक है, और जो गुजर गया सो गुजर गया, हम जो हैं अब खेलेंगे बाकी टीम्स के साथ भी नॉर्मल जैसे बाकी टीम्स हैं और वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे। तो मुझे एक, अगर मैं इसको नेगेटिव वे में लेके जाऊं तो मुझे लगता है कि शायद उनके बैक ऑफ द माइंड एक पहले से डर बैठ गया कि उन्हें ये था कि बाकी टीम स्ट्रॉन्ग है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या अगर इसको हम पॉजिटिव लेके जाएं तो आपको क्या लगता है पॉजिटिव? मुझे यही लगता है, आई थिंक पॉजिटिव ही उन्होंने सोचा होगा डेफिनेटली, नेगेटिव मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसका इम्पैक्ट, क्योंकि अगर आप देखें ना कि वो अपने ऊपर एडिट प्रेशर क्यों ले, क्योंकि जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं ना तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि हम
अपने साथ ग्राउंड में, फील्ड में, या एक वर्ल्ड कप बिग इवेंट में जाते हुए हम अपने साथ ये एडिट प्रेशर क्यों लेके जाएंगे जी हम वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियन है। इसको पॉजिटिव के तो हम सोच सकते हैं कि हम एक न्यू टूर्नामेंट में जा रहे हैं, पीछे जो भी हुआ लेट्स जस्ट फॉरगेट इट, एक नया टूर्नामेंट है और हम सबको एज एन इक्वल लेंगे और एज अ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप वी विल इवेंचुअली रीच जो भी हमने हमारा मेन गोल है। अच्छा मेरे माइंड में मुझे ऐसा लगता है, आपके उस पर थॉट्स क्या है वो आप मुझे बताइएगा, कि इस वर्ल्ड कप में फील्डिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा। अगर मैं बात करूँ हमारा जो वार्म अप मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमारे सारे प्लेयर्स कैच आउट हुए, क्या आपने चीज नोट की? हमारे जितने प्लेयर्स हैं वो कैच आउट हुए हैं, कोई बोल्ड नहीं हुआ, कोई मेरे ख्याल में रन आउट नहीं हुआ, कॉट बिहाइंड हुए हैं जो कि कीपर ने पकड़े हैं, बाउंड्रीज पे कैचेस हुए हैं। तो मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में कैचेस विन मैचेस होगा और जो जो टीम आज भी न्यूजीलैंड ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है, जिसकी वजह से जो बॉलर की तरफ से देखिए बॉलर के पास 6 बॉल है, वो कोई ना कोई जितना अच्छा भी बॉलर हो ना एक बैड बॉल करता ही है, तो मुझे लगता है उसको न्यूजीलैंड के जो फील्डर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया बॉलर्स को, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड को अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर उन्होंने किया है और अच्छे से उन्होंने चेस कर लिया। आपको क्या लगता है कि फील्डिंग का रोल इम्पोर्टेंट होगा? फील्डिंग का रोल डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होगा, वो इन एवरी मैच होता ही है। जितना अच्छी ये बैटिंग ट्रैक्स हैं तो इट्स अप टू द फील्डर्स के वो अगर कोई भी जो बैट बॉल जो बॉलर की तरफ से है कि उसको कवर अप करें। अच्छा एक और चीज जो आप बात कर रही थी कि सारे कैचेस हुए हैं या कॉट बिहाइंड हुए हैं, उस पर मुझे चीज़ जो नज़र आ रही है वो मे बी इस ये रीज़न भी है कि बिकॉज इट्स सच अ वंडरफुल बैटिंग ट्रैक, तो आपका दिल करता है कि आप शॉट्स खेलो, आपको इतना अच्छा नज़र आ रहा होता है कि अच्छा आई कैन प्ले दिस इन दैट, यहाँ मैं कवर्स भी एक्स्ट्रा कवर भी उठा के मार दूँ एंड मिड विकेट भी मार दूँ, मतलब कि लालच में प्लेयर्स लालच में आएंगे। अगर आप आज इन दोनों की बैटिंग देखें न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत मतलब शेप में रहे हैं, ऑर्गेनाइज रहे हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, कभी भी एक्स्ट्रा वो नहीं करने गए, बिल्कुल अपनी मतलब रेंज ऑफ मोशन में रहते हुए, बिल्कुल एक लाइन में रहते हुए वो जो है उन्होंने अपने शॉट्स खेले हैं और प्रॉपर शॉट्स खेले हैं, जिसका उनको डेफिनेटली फ़ायदा भी हुआ है। अच्छा रूट की बात करते हैं कि आज के मैच में रूट को देख के ऐसा लग रहा था कि पूरी जो उनकी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है वो ऐसा ही आपको भी फील हुआ और बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन कुछ अननेसेसरी शॉट्स थी मुझे इंग्लैंड की तरफ से ऐसा लगा कि कुछ शॉट सिलेक्शन थोड़ी सी गलत हुई कि पीछे वाला बॉल समझ के आप उसको स्पिनर पे पीछे हट के पुल मारने गए हैं, वहाँ पे बोल्ड हुए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा शॉर्ट सिलेक्शन का इंग्लैंड की तरफ से मुझे मसला लगा। वो देखिए इनकी फर्स्ट गेम था, मुझे लगता है कि दे विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दिस और दे विल डेफिनेटली कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट गेम। अगर नेक्स्ट गेम देखी जाए तो इंग्लैंड की है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ एंड देन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका, तो मुझे ये लग रहा है कि अब इसके बाद जो है कंपैरेटिवली उनके थोड़े ईजियर मैचेस हैं, मतलब कि जो उन्होंने हारना था वो आज हारे अगले मैचेस नहीं हारेंगे, आप ये कह रही हैं? मुझे ये लग रहा है कि वो एक अपनी ना टोन सेट कर सकते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो नेक्स्ट जो भी गेम्स हैं अपनी 3-4 गेम्स हैं जिनको वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर समझ सकते हैं, ले सकते हैं और उन पे अच्छा कमबैक करके आगे जो लास्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप मैचेस हैं उन पे जरा अपना प्रॉपर ओके जी, आज तो हमने एक मैच देख लिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, बहुत खूबसूरत मैच हुआ, न्यूजीलैंड को बहुत बहुत मुबारक हो। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान वुमेन, सॉरी पाकिस्तान मेंस टीम। कल हमारा पाकिस्तान का जो है मैच हॉलैंड मतलब नीदरलैंड के साथ है, हॉलैंड पुराना नाम था, नीदरलैंड के साथ है, तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहले तो देखिए हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, आप भी ऑब्वियसली आपस में कॉन्वर्सेशन करते होंगे, आप लोग हमें सुन भी रहे हैं, आपको क्या लगता है आयशा कि कल की पाकिस्तान की, आपको सबसे पहले मुझे ये बताएं आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो एशिया कप में एक ट्रेंड सेट किया था कि एक रात पहले टीम अनाउंस कर रहे थे, क्या अब वो चलेगा ट्रेंड? अभी तक तो नहीं आई टीम,
हाँ, और इंडिया इतना हमसे आगे पीछे भी नहीं है, इतना टाइम डिफरेंस नहीं, आधा घंटा हमसे आ जानी चाहिए थी अगर वही वो फॉलो कर रहे होते। लेकिन आई एम श्योर वो प्लेयर्स को तो आइडिया होता है। अच्छा, आपका इस पे ओपिनियन क्या है, आपका आप क्या समझती हैं, व्हाट योर टेक ऑन दैट, कि करनी चाहिए अनाउंस एक रात पहले या आई थिंक करनी चाहिए, बिकॉज जो प्लेयर होते हैं वो अपने आप को मेंटली रेडी कर सकते हैं, और जब वो मतलब पूरी रात को वो एक एक तरीका होता है विजुअलाइजेशन का, जो काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। मी भी, मैं एज अ खुद प्लेयर जो हूँ मैं इसको यूज़ करती हूँ, डेफिनेटली आप भी यूज़ करते होंगे। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इट्स गुड थिंग कि पहले ही एक रात आपको पता हो कि आपने कल मैच खेल रहा है। अच्छा, मैं सॉरी आप यहाँ पे बात काटूंगी, आपके आपके हमेशा हर किसी के पॉइंट का बिल्कुल रिस्पेक्ट होती है। आपने बात की कि कर देनी चाहिए ताकि प्लेयर्स जो अपने आप को रेडी कर ले, तो जो एक टीम का, हम भी खेलते हैं, जो एक टीम का ग्रुप बना होता है, सिर्फ हम आज उस ग्रुप में ना सिर्फ शेयर कर दी जाए, जरूर सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है। नहीं नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं कि सोशल मीडिया का भी करनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, यू नेवर सेड दैट। वो हमारे अच्छा, चले आप क्या एनीवेज, उसमें यही है कि मैं ये नहीं समझती कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि फिर उसके अलावा सोशल मीडिया पे काफी सारे क्रिटिक्स, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वो प्लेयर्स के लिए एडिट प्रेशर होता है। एग्जैक्ट। तो और ना चाहते हुए भी आप जो है वो सोशल मीडिया देखते हैं, और उसके अलावा ये आपका जो है आता है पाकिस्तान के ट्रेंड्स फ्लॉप है सब, आई थिंक। यार ये कौन है जी, वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। ये क्या हो गया, आप लोग प्लीज मुझे बताएं। आज मेरे ख्याल में हमारी वीडियो तो चल रही है, समथिंग वेंट रॉन्ग। नहीं नहीं, हम आ रहे हैं, हम यहाँ पे तो लाइव आ रहे हैं। आई थिंक टैप, नहीं नहीं, इट्स फाइन, वो आई थिंक कमेंट्स का है, वो जो आ रहे हैं कमेंट्स, तो कमेंट्स बंद तो नहीं होंगे ना मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, बंद नहीं होंगे। आप लोग प्लीज जरा कमेंट्स करते रहे ताकि हमें आइडिया हो कि आपके जो है मैसेजेस हमें आ रहे हैं, क्योंकि हमारी इस स्क्रीन पे हमें नहीं शो हो रहे। वीडियो सीधी करें जी, किसी का कमेंट आया है। अच्छा, वीडियो सीधी करें जी। आप अगर अपना फोन थोड़ा सा प्लीज, ये सॉरी, हम अगर सीधा करें तो कैसे होगा। मेरे ख्याल में वो फिर हम दोनों नहीं आएंगे, एक बंदा आएगा। नहीं, लेकिन इट्स आवर फर्स्ट टाइम एज वेल। कल से आप लोगों को कोई इतनी शिकायत नहीं होगी, लेकिन आज जो है प्लीज आप अपना फोन सीधा कर लें। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रही थी, हम बिल्कुल टॉपिक से, ये एक किसी का कमेंट आया है कि सच्ची बात ये है कि सिलेक्शन एक रात पहले नहीं, 3 महीने पहले होती है। तो डेफिनेटली जो भी टीम्स होती हैं, जो भी बोर्ड होता है, वो 3 महीने पहले नहीं, वो साल पहले, 1.5 साल पहले अपना कॉम्बिनेशन अपने माइंड, उनके माइंड में होता है कि हमने इन प्लेयर्स को जो है साथ लेकर चलना है, इनको हमने डिवेलप करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, सो दैट जो एक मेगा बिग इवेंट आएगा जैसे कि वर्ल्ड कप, उस तक वो हमारी प्रिपरेशन पूरी हो, वो कॉम्बिनेशन, एक वो प्लेयर्स एक दूसरे के साथ जो है कंफर्टेबल हों एट द पिच और अंडरस्टैंड करते हों, तो ये डेफिनेटली जो बोर्ड्स के माइंड में होता है उन्होंने कॉम्बिनेशन बना लिया। अच्छा, बिल्कुल, ये जो हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्लेइंग 11 जो कि कल के मैच में खेलनी है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो एक रात पहले एशिया कप में पाकिस्तान जो है वो एक रात पहले प्लेइंग 11 अनाउंस कर देता था, और ताकि सोशल मीडिया पे हर तरफ जो है वो सर्कुलेट हो जाता था। लेकिन इस बार मुझे लगता है वर्ल्ड कप में जो है वो, और पता है क्या सीन है, जब आप पहले सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देते हैं ना, तो जो आपका ओपोनेंट है ना, अब वो अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। जब उन्हें पता है कि जी सलमान अली आगा नहीं खेल रहा फॉर एग्जांपल, और साउथ शकील खेल रहा है, जब अगर इंडिया के साथ मैच और इंडिया ने ये देख लिया, तो ऑब्वियसली वो उस पर काम करेंगे, एक मिसाल है। तो ओपोनेंट्स भी जो है ना, वो भी अपनी तैयारी, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि जो भी टीम्स हैं, जिस तरह हम खुद भी टीम में, हम जब हमें पता है कि हमारा नेक्स्ट मैच इन इस टीम से है, तो हम ऑलरेडी उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे वीडियो सेशंस होते हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं, एक एक प्लेयर को हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा भी ख्याल कि एक एक रात में सोशल मीडिया से देख के दूसरे कंपेटिटर ने क्या कर लेना है, लेकिन देन अगेन ये जो है मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स तक ही रहना चाहिए, टीम तक ही रहना चाहिए। एट द एंड यही सेम बात है कि जो टीम का ग्रुप बना होता है, सिर्फ उधर जो है वो टीम आ जाए। अच्छा जी, सवाल आया है कि अस्सलाम वालेकुम मेरा माजी, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। वैसे ये तो आपने मेरे हाल में सिलेक्शन वाला पढ़ लिया है,
और ए आप प्लीज एक फोन पे आप कमेंट्स रीड करें और एक हमारी तरफ ध्यान। ये कौन लोग हैं यार। अच्छा अब मैं ऐसे बैठती हूँ, ओके। अच्छा जी नेक्स्ट क्या है आयशा, प्लीज आप देखें। मैं वहां देख रही हूँ, मैं उनको ध्यान दे रही हूँ। ओके एक ध्यान देगा, एक साउथ शकील को कल जरूर मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल यही हम बात करते आदि है। डोंट यू थिंक साउथ शकील नीड्स टू बी प्रमोटेड अप इन द ऑर्डर। बिल्कुल सही बात। देखिए साउथ शकील का सीन ये है कि या साउथ शकील होगा या सलमान अली आगा होगा, लेकिन जो हमें देख के लग रहा है अभी सलमान अली आगा को कैरी किया हुआ है और एशिया कप से उनको कहेंगे अभी खिला रहे हैं, तो मुझे लगता है वर्ल्ड कप में अभी उनको मौका मिलेगा और अभी एक दो मैचेस मिलने चाहिए मेरे ख्याल में। उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि सलमान अली आगा को बिठा के हम साउथ शकील को खिलाएंगे। नो डाउट साउथ शकील ने जो है बहुत इम्प्रूव किया अपनी गेम और इतनी खूबसूरत वो खेलते हैं। उन्होंने क्या 75 स्कोर किया है पिछले एक वार्म अप मैच में। ओके जी और आप ध्यान दे रही हो तो जी मैं बिल्कुल गौर व फिक्र कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं उनको किस तरह से ध्यान दूँ। कोई ना कोई बात करते हैं। अच्छा उसके अलावा आज की ओपनिंग मैच हो गया है, न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, न्यूजीलैंड के पास पॉइंट्स हैं। इंग्लैंड को डेफिनेटली ये फील हुआ होगा कि बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियंस उनको एक अच्छा शो पुट करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है पहला मैच हार गए हैं। बट आई डेफिनेटली थिंक वो लोग दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, दे विल वर्क ऑन इट। और वो इतनी ऐसी टीम नहीं है जो कि इतनी ईजीली जो है वो हार मान जाएगी। सो वो नेक्स्ट मैच में, नेक्स्ट मैच है उनका बांग्लादेश के साथ, तो आई मैच होगा लेकिन हम बांग्लादेश नहीं कर सकते। हाँ हम बांग्लादेश को इजी नहीं ले सकते बिल्कुल भी। बांग्लादेश भी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। क्रिकेट इज अ फनी गेम, वो मतलब ऑन द डे जो भी अच्छा खेलेगा, जैसे भी जो कम मिस्टेक्स करेगा वो जीत जाएगा। अच्छा जी सैफी हैज बेटर टेक्निक व्हेन इट इज अबाउट प्लेइंग स्पिनर, डोंट यू थिंक ही शुड हैव बीन इन योर टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान इन चेन्नई। यू टॉकिंग अबाउट सरफराज अहमद राइट। अच्छा इस हवाले से अगर आप सरफराज अहमद की बात करें तो व्हाट योर टेक ऑन दैट। अभी डेफिनेटली उनको हम देख रहे हैं डोमेस्टिक में और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट देन अगेन अगर रिजवान का देखा जाए, बिकॉज कीपर की जगह भी आए हैं, रिजवान उनकी जगह बेसिकली टीम में वापस आए हैं, तो रिजवान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके जो है टीम में वापस आए हैं। हाँ बिल्कुल, तो आई थिंक सो इट्स अच्छा ये टोटली डोमेन है सिलेक्टर्स की है जो कि उन्होंने जिसको भी सिलेक्ट किया है, और हर कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही चाहता है। जिस तरह सरफराज अहमद परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उन्होंने डबल सेंचुरी की है और अपनी टीम को बहुत अच्छे से वो लीड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह होप सो कि हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट पाकिस्तान के तरफ से मैचेस में हम उनको इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। अच्छा मेरे माइंड में ना एक ये सवाल आ रहा था, बाबर आजम के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने एशिया कप में थोड़ा सा देखा कि उनके कुछ डिसीजंस जो हैं वो उस तरह से अच्छे नहीं हो सके। मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में आपकी नज़र में तीन कोई पॉइंट्स, जो आप कोई तीन ऐसे पॉइंट्स बताएं जो कि आपको लगता है पाकिस्तान अगर उनको साथ लेके चले तो वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गुजरने वाला है। साथ लेके नहीं, मतलब अडेप्टेबिलिटी बहुत बड़ा एक जो है फैक्टर होता है कि जो भी मैच चल रहा है उसमें क्या सिचुएशन है और उसमें कैसे अडेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वार्म अप मैच की ही एग्जाम्पल ले लें, एंड में रना बॉल रह गया था एंड यू नो कि आपके पास पीछे एक विकेट रह गई है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हिट बिग। आपको जो है बॉल बाय बॉल लेकर चलना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो एक ये अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अडेप्टेबिलिटी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे तो आप इसका मतलब ये है कि आप सिचुएशन को अडेप्ट भी कर चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट होंगी। अच्छा आप बता दें कि इंडिया को हम कैसे बीट कर सकते हैं, ये मैंने बात कर ली, मैंने कमेंट पहले पढ़ लिया कि नहीं। अच्छा ये आया है कि अच्छा आप बता दें कि इंडिया को हम कैसे बीट कर सकते हैं, बताइए जी आयशा प्लीज। इंडिया को हम अच्छी क्रिकेट खेल के बीट कर सकते हैं, तो दोनों टीम्स होंगी आमने सामने, आई थिंक 14th को होंगी, सो
उस दिन जो भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जो अपने नर्व्स को कंट्रोल रखेगा, कम मिस्टेक्स करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि किसने ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली, कौन ज़्यादा कंपोज्ड रहा और किसने कम मिस्टेक्स की. तो मेरे ख्याल से अच्छे डिसीजंस किसने लिए, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक, कि अच्छे डिसीजंस ऑन राइट डिसीजंस ऑन राइट टाइम, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब कुछ. ये जब एक एक लाइन कहते हैं ना, जब आपने बैटिंग करनी है तो आपको एक लाइन में होना है. तो मेरे ख्याल में जब आपने कैप्टनसी करनी है तो ये सारी चीज़ें एक लाइन में आती हैं. तो मुझे लगता है अच्छे डिसीजंस होंगे, राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, तो मुझे लगता है हम इंडिया को अच्छा अच्छा पकड़ सकते हैं. अच्छा, एक कॉमेंट आया है. ओके, बाबर इज क्लासिकल प्लेयर लाइक जोरू. If Jory can play lofted drives instead ground drives, why can't Babar try lofted shots to score quick runs when he has ability to play lofted? I think आपने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच नहीं देखा जिसमें बाबर ने जो है वो 90 करके रिटायर हुए हैं, तो उसमें बाबर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्या खूबसूरत शॉट्स खेली हैं. आपने देखा है, did you watch that? तो बाबर खेलते हैं यार, ये तो नहीं आप कह सकते कि बाबर नहीं खेलते, बाबर खेलते हैं. ये जी कोई फरमा चौधरी है आयशा, वो आपको कह रही है आप प्लीज मुझे गेस्ट बुला लें. ये मेरा ब्लॉग नहीं है, मेरा शो नहीं है, ये आपकी वॉइस कटिंग हुई है. आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको गेस्ट बुला लें. आयशा, आपसे सवाल आया है. जी जी. आपने कभी इंडिया से खेला है और कभी जीता कोई मैच? इंडिया में ही, इंडिया से जो जीता था आई थिंक यू वर देयर, मैच में थी 2016 वर्ल्ड कप में. हाँ 2016, लाइक जो हम 2016 इंडिया से हम जीते थे डीएल पे. मैं उस वक्त एयरप्लेन में थी, मैं भी इंडिया को पहुंच गई. यस, आप आ रही थी जवेरिया खान की रिप्लेसमेंट, ऐसे ही जब उनको इंजरी. ओके, तो उस वो मैच आपने नहीं खेला, तो उससे नेक्स्ट खेला, उससे अगला, मतलब उसमें अभी मैं इंडिया लैंड की थी और मुझे ये पता चला था कि हम जीते हैं इंडिया से. तो अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था. अच्छा, इंडिया की कोई याद, लाइक इंडिया की कोई अच्छी चीज आपको याद रह गई हो? बिरयानी की बात कर लेते हैं. इंडिया की बिरयानी के बारे में क्या ख्याल है? इसकी बहुत बातें हो रही है. बिरयानी मुझे तो इंडिया का बटर चिकन और बटर नान, जो है वो याद है. मैं बताऊं, हम लोग जब लैंड किए थे तो रात थी, हम रात में लैंड किए थे और हमें भी जब हम होटल पहुंचे थे तो एग्जैक्टली हमें भी चिकन बिरयानी ही मिली थी. और बाकी बहुत मजे की बिरयानी है जो बाबर आजम शादाब, लेकिन एक बिरयानी का नुकसान हो रहा है. मैं पुलाव वाली हूँ, मुझे बिरयानी. अच्छा अच्छा, एक बिरयानी का ना लड़कों को नुकसान हो रहा है, जो कि शादाब ने कहा है कि शायद हम इसीलिए स्लो हो रहे हैं क्योंकि हम रोज बिरयानी खा रहे हैं. हम आज वाला सेशन यहीं पे डन करते हैं. एक ट्राई था, हमने आपको एक गुड न्यूज देनी थी कि इंशाल्लाह हमारा डेली कोशिश होगी कि डेली हम आए और जो जो मैच होगा उसके हवाले से बात करें, आपके कमेंट्स लेंगे और आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे, अच्छे अच्छे सवाल पूछें. चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.